लद्दाख से। हेलो जी, राम राम सारा ने। तो भाई देहरादून घूम लिए हैं, मंसूरी घूम लिए हैं, ऋषिकेश घूम लिए हैं, हर जगह घूम लिए, बहुत ही अच्छा देखने का है। तो भाई ये आ गए हम शस्त्र धारा, और भाई इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, जो मैं आप लोग देखो बता रही हूँ आप सभी को, बहुत बड़ी मान्यता है। भाई बोलते हैं कि शरीर में कोई भी भाई रोग हो तो यहाँ नहाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है, और ये आजमाया हुआ है भाई, क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी में थे, अब तो रिटायर हो लिए। और भाई 15-16 साल पहले मैं यही आप सभी को बता रही थी, मेरी माँ मतलब हम पापा के साथ आए थे तो यहाँ नहाई थी, और मेरी माँ का भाई बहुत जोर का भाई जैसे जुखाम मुझे आ करता, और यहाँ नहाने से बिल्कुल हरिद्वार में नहाने से और यहाँ नहाने से बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब अब तो कभी कभी होता है। तो वही मैं आप सभी को बता रही थी, भैया इसको तो ज़रूर नहा कर जाना, और भाई पानी की बोतल भर कर लेकर जाना घर में, और कोई है वो भी नहा लेंगे। तो भाई हमने भी बोतल भर ली, कम तक कम 3-4, मतलब 2 दीदी हर ने भर ली, 2 हमने भर ली, और भाई यहाँ हम देख रहे थे कि हम कहाँ नहाएं। तो फिर ये नहाने लग गए थे भाई पापा बेटा, और पीछे जा रही थी दीदी हर नहाती, और आप देख सको कितनी भीड़ है, और ये कम से कम मतलब ये लगा लो पूरी नदी है जो पहाड़ा में तो पानी आवा है, तो भाई दुनिया ना आवा। देखो आप देखो कितनी सारी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और भाई देवदक्ष डर रहे थे पानी में जाने के लिए, ये थोड़ा सा पानी से डरते हैं, और ये देखो आप, और ये भाई ऊपर है ना, ये है बच्चों का मतलब वाटर पार्क, आप इसमें भी झूले झाले लाग रहे हैं। और भाई यहाँ कम से कम 250-300 की टिकट थी, तो भाई ये नहाने लग गए थे पापा बेटा, और ये देखो ये दक्ष देव बोल रहा था कि ऐसे नाक बीच के डुबकी मार, तो ये देखो, लेकिन पहले तो ये इतना डर रहे थे पानी से, लेकिन बाद में नहीं निकल रहे थे। और भाई बहुत ही मतलब अच्छा पानी था, साफ़ सुथरा पानी है, और इस पानी में से हल्की सी थोड़ी सी ऐसी महक सी आती है, लेकिन वो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इसका गंधक जल भी बोल देते हैं, शस्त्र धारा भी बोल देते हैं। तो ये देखो ये अभी नहाना शुरू करया नहीं है, और शुरू करेंगे तो आप देखना व्लॉग में। और ये अभी हो गई है पति देव की डुबकी शुरू, आप देख सको हो, वैसे मैं दूर थी थोड़ा सा, इतने पास से नहीं बना पाई थी, क्योंकि भाई मेरे पास दोनों परस फोन सारे यही थे, तो मैं वैसे ही थोड़ा सा दूर से बना रही थी, और धूप थी तो मेरे को लग भी नहीं रहा था कि बन गया होगा, लेकिन बन गया था। तो ये कम से कम गिनती है नहीं कितनी डुबकी मार देते हैं, और ये दीदी बैठी हैं, सर बैठे हैं, जो कि बोल रहे थे कि सुमन हमारे भी वीडियो बना दे, फ़ोटो खींच दे। और ये यहाँ इधर है देवदक्ष, तो मैं इनके पे भी देख रही थी, सामान की साइड भी देख रही थी, और मैं नहाई थी भाई बाद में, ये पहले नहा लिए थे, ये देखो मतलब ये है कि यहाँ से निकलने का, एक बार अगर नहाना शुरू हो जाए ना तो निकलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि इतना अच्छा पानी है, साफ़ सुथरा, और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। कभी मौका मिले तो ज़रूर घूमना देहरादून, मंसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो दीदी भी बहुत डुबकी मारी, दीदी ने भी, दीदी की आँख बिल्कुल लाल हो गई थी, इतनी डुबकी मारी थी, ये देखो लगातार लगातार डुबकी मार रही है, ये देखो, लेकिन बोल रही थी बाद में कि सुमन आँख में पानी घुस गया तो दर्द हो रहा है, ये देखो बहुत नाए भाई, बहुत नाए। और बोलते हैं ये सच है, आजमाया हुआ है कि मतलब इस पानी से नहाने से शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं बिल्कुल, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाना। ये देखो फ़ोन हिल रहा है, जो बार बार ये इसीलिए हिल रहा है क्योंकि मैं दोनों काम कर रही थी। और ये देखो अब दक्ष के पापा, दक्ष ऊपर से गिरा देंगे, दक्ष भी डर गया था, ये देखो ये अब देखना आप, ये अभी इनको ये तैरना सीख रहे हैं कि पापा मेरे को तैरना सिखा दो, तो मैं बोल रही थी बेटा तैरना एकदम मतलब नहीं आएगा, वैसे तो इनको आ गया था, लेकिन बीच में ओ लो ऐसे गिरा दिया, और फिर ये डर गया बेचारा, और मैं बोल रही थी, आवाज़ लगा रही थी कि ऐसे मत गिराओ, कान में पानी घुस गया तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ये बोल रहे थे कि पन्नी पापा मेरे को ऐसे ही खेलना है। और ये आगे दीदी निकले आई थी, बहुत नहाए थे भाई, बहुत ही ज़्यादा नहा लिए थे।
फिर इसके पापा बोलने लगे कि जा तू बिना ले, तो अभी मैं उतर गई हूँ मैं, और मैं फिर चश्मा भूल गई थी, तो ये ऐसे ही बोल रहे थे कि ठीक हो गया अभी रे बन का चश्मा लिया था, और नहीं तो ये ख़राब हो जाता। और भैया अभी हम यहाँ माँ बेटा नहाने लग गए, बच्चों का तो मन ही नहीं था निकलने के लिए बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हम कम से कम मैं भी नहाई होंगी आध पौन घंटा, और हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे, बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी चलो तैरते हैं। तो नहाने के बाद हम निकले आए थे, फिर भाई मैंने बदल लिए थे कपड़े, क्योंकि मैं कपड़े लेके आई थी, और बहुत अच्छी सुविधा भी कपड़े उपड़े चेंज करने के लिए, दीदी ने नहीं चेंज करे, बोले सुमन चलो अब जा के देंगे, गर्मियाँ सूख जाएंगी इतने, तो हम ऐसे ही बातें करते आ रहे थे, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, और भाई बाज़ार भी है जिसने शॉपिंग करनी हो। और अभी हम बैठ गए भाई गाड़ी में अपने घर की तरफ आने के लिए, पूरा दिन हो गया भाई घूमते घूमते, और भाई महादेव के मंदिर में भी गए थे जो कि माथे पे तिलक लगा दिया। और भाई ब्लॉग कैसा लग गया ज़रूर बताना, लाइक करना शेयर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई ये देखो अभी रास्ते में है, आप देखना पहाड़ी इतनी सुंदर लग रही है, जैसे कि आप मतलब इन पहाड़ों में कब घूमिए जाओ। ये देखो एक नदी है, नदी के साइड में गांव बसा हुआ है, ये आगे देखना दिखेगा आप सभी को पहाड़ी, ये देखो ये यहाँ से इतना सुंदर, मतलब देखने का इतना मन है कि ऐसा लगता है कि गाड़ी खड़ी करके और यहीं बैठ जाओ। ये देखो अपनी खुद की गाड़ी होती तो ज़रूर जगह जगह, वैसे जगह जगह रुक कर खूब वीडियो बनाई, मतलब बहुत अच्छा लगा भाई जो कि हम यहाँ आए, हमें मौका मिला घूमने का, और भाई खूब रील बनाई खूब व्लॉग बनाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ मन है वहाँ रुक लेते हैं। तो चलो भाई मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय।